नमस्ते बच्चों, आरएसपी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, जैसे कि कक्षा दसम का संस्कृत का हम कर रहे थे, संस्कृत में हम कारक है ना, कारक का पार्ट फिफ्थ ले रहे हैं हम, है ना। और मैं आपको बताइए कक्षा होगा संस्कृत विद्यालय, जो आपको अभी तक ग्रामर से परिचित करवा रही है, तो हम चतुर्थी विभक्ति कर रहे हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में बच्चों जो अपने पास सूत्र है, उन सूत्रों को पढ़कर हम सूत्रों में से शब्दों को निकालेंगे और उन्हीं शब्दों से हम नियम को क्लियर करेंगे। तो आपको शब्द उच्चारण करने की आवश्यकता है। तो देखिए, क्रुद्ध दुह ईर्षा सूर्य अर्थाना यह यम प्रति कोप। देखिए विद्यार्थियों, इस पूरे में कितने शब्द आ रहे हैं, क्रुद्ध दुह ईर्षा या सूर्य अर्थाना, है ना। तो यम प्रति कोप, तो इसमें मैंने कह दिया क्रुद्ध आदि अर्थ वाली धातु के रूप में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है ना। पिता पुत्र पे क्रोध करता है, माता पुत्र पे क्रोध करती है ना, हमारे शिक्षकगण विद्यार्थियों पे कभी कभार क्रोध कर देते हैं, उसी प्रकार जिस पर क्रोध आदि धातु के साथ प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति का है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, क्रुद्ध दुह ईर्षा सूर्य अर्थाना, इसमें से मैंने शब्द निकाले हैं। तो कैसे निकाले, देखो, क्रुद्ध क्रोध करना, दुह द्रोह करना, ईर्ष्या करना, और असूय यानी निंदा करना। तो कुछ मैंने आपके लिए यहाँ के लिखे हैं, इन वाक्यों को अच्छे से देखें कैसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पिता पुत्राय कुध्यति, पिता पुत्र पे क्रोध करता है, अब क्रोध किस पे करता है, पुत्र पे करता है, कौन करता है, पिता करता है, तो क्रुद्ध धातु आई है हमारे पास, ठीक है, और पिता करता है पुत्र पे, तो पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति, वो मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखवाया है कि जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, है ना। अब देखिए, किंकरा नृपाय दुयति, है ना, तो दुय का अर्थ होता है द्रोह करना, है ना, द्रोह करना जैसे। तो किंकर जाति, किंकर नाम की जाति होती है, राक्षस जाति, वो राजा पर द्रोह करती है, है ना। तो कौन किस पे द्रोह कर रहा है, ये आपको खुद को पहचानना होगा, तभी ये लाइन हमारी वहाँ केवल होगी। क्या आप लगाओगे खुद धातु के योग में कौन सी भक्ति लगानी है, संप्रदान कैसे आएगा संप्रदान कारक में, तो ये आप खुद ही एग्जाम्पल करोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, ईर्ष करना, दुर्जना सज्जनाय ईर्षति, दुर्जन लोग जो होते हैं वो सज्जन लोगों से ईर्षा करते हैं, सभी को पता है ना अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए, तो दुर्जन किससे करते हैं, सज्जनों से ईर्षा करते हैं, तो सज्जनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। असूय यानी निंदा करना, सुरेश महेशाय ईर्षति, सुरेश महेश से निंदा करता है, तो सुरेश किससे निंदा करता है, महेश से, असूयति यानी निंदा करना, तो महेश से निंदा करता है, तो महेश में चतुर्थी विभक्ति। तो ये देखिए सूत्र जो बनाया गया, देखिए क्रुद्ध दुह ईर्षा सूर्य अर्थाना, तो चार जो चार शब्द थे वो मैंने यहाँ लिखे, उनके अर्थ आपको बताया गया और उसके बाद ये वाक्य मैंने बताया, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, ये वाक्य देगी आपको, उसके नीचे अंडरलाइन देगी, अब आपको पूछेंगे कौन सी धातु, आपको पूछेंगे इसका कारक और कारण चल चुका, तो आप कारण और कारक कैसे लिखोगे, तो आप बताओगे क्रुद्ध धातु के योग में उत्तराय में चतुर्थी विभक्ति, ये ऐसे आप पेपर में करोगे। और हाँ, मैं ये विशेष ध्यान रखना है, जब करते हैं तो आपको समास हो चाहे संधि हो चाहे प्रत्यय हो और चाहे कार्य हो, तो तीन चार नंबर के पेपर में आगे से बोर्ड में जो लगता है वो हमें घर से ही हमारे साथ में वो नंबर लेकर चलना है, अगर हम इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो। अब देखिए, इसी की चतुर्थी विभक्ति का एक और सूत्र है, देखिए स्प्रे इप्सिता, क्या है स्प्रे इप्सिता, एक सूत्र है इसी से, देखो स्प्र धातु, इससे मैंने क्या निकाल लिया, स्प्र धातु के प्रयोग में इप्सित यानी जो इच्छित हो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जो संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। तो यथा जैसे एग्जाम्पल, स्प्र यानी इच्छा करना, स्प्र का क्या हो गया इच्छित, इच्छा इच्छा करना, तो बालक पुष्पाय स्प्रेयति, है ना, बालक पुष्प की इच्छा करता है, बालक किसकी इच्छा करता है पुष्प की, तो विभक्ति किसमें लगेगी, पुष्प में, तो पुष्पाय में चतुर्थी विभक्ति लगेगी आपके सामने, ये एक ही नियम है। और जहाँ आपको स्प्र धातु लिखे पेपर में वहाँ आपके चतुर्थी विभक्ति लगा, तो ये आपका कारक कारण चल था एकदम सही नंबर आपके पास में, ठीक है। अब इसी का अगला नियम देखते हैं, नम स्वस्ति सुहा स्वता वसत योगाच, देखो पूरे में से फिर शब्द निकालने हैं, नम स्वस्ति सुहा स्वता अलम वसत योगाच, है ना। तो देखो नम स्वस्ति सुहा स्वता अलम और वसत, इन शब्दों के योग में